तो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह का मौसम बहुत साफ है, धूप निकली हुई है। रात को -5 डिग्री सच में था और यहाँ पे कोहरा जमा हुआ है। गुड मॉर्निंग अगेन। हम ऊपर को टाटा बाय बाय कर चुके हैं, हमें कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं ऊपर से निकले हुए। हमने उसके बाद जब हम लास्ट टाइम वीडियो में मिले थे तो उसके बाद हमने मैगी बनाई और थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे, फोटोज वीडियोस खींची और उसके बाद फिर हमने मैगी शैगी खाई और अपना पैकिंग वगैरह करी। उसके बाद हम निकल चुके हैं वापसी और अभी हम रास्ते में ही हैं। कम से कम हमें 2-3 घंटे लगे थे वहाँ पे ये सब क्लोजिंग करते हुए। आपको एक चीज़ बताऊँ, वो रहा हमारा त्रुंड, ठीक है? वो जहाँ पे ब्लू ब्लू कलर का टेंट लगा हुआ है ना, वो है त्रुंड। और हम त्रुंड से ऊपर स्लो लाइन गए हुए थे भाई। बहुत अच्छा, मतलब कि एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा। मिलते हैं नीचे अभी यार, वीडियो तो नहीं बनाएंगे, फटाफट नीचे पहुँचेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। बाकी आपको बताते हैं नीचे पहुंच के। और यार सबसे मेन चीज़, अगर आपके पास गैजेट्स वगैरह है तो यार बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, उसके लिए आपको पावर बैंक वगैरह कुछ लेके साथ कैरी करके चलना पड़ेगा, नहीं तो भाई बन चुकी वीडियोस फोटोज भाई। लिटरली मैं एक चीज़ बताऊं, मेरे फ़ोन की रात को बैटरी थी, जब ठंड होनी स्टार्ट हुई थी, मेरे फ़ोन की बैटरी थी 40%। जस्ट मैंने सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनाई और 40 से सीधा 5% भाई साहब। उसके बाद फ़ोन मैंने चार्ज किया तब जाके आगे की वीडियोस बन रही है। अभी मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है पर मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी चलो नीचे त्रुण में पहुँच चुके हम। Face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say.
गाइस हम तुरंत से नीचे पहुंच रहे हैं, अभी नीचे निकल चुके हैं, तुरंत से अभी उतर रहे हैं नीचे को। बट यार हमारे साथ एक इंसिडेंट हो रहा है बार बार, एक बार नहीं बार बार ऐसा हो रहा है, जैसे मतलब कि मेरे फ़ोन में जो टाइम है वो अलग बता रहा है और प्रशांत जी के फ़ोन में जो टाइम है वो अलग बता रहा है, ठीक है। और वो कभी कभी सही भी हो रहा है दोनों फ़ोनों में, ये क्या चीज़ है। टाइम करेक्टली किसी को नहीं पता क्या टाइम हुआ है क्या नहीं हुआ है ना। और चलो देखते हैं, ये चीज़ हमें फेस करने को मिल रही है यहाँ पे। बाकी यार बाकी किसी को पता हो तो कमेंट कर देना भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा। हाँ 3000 फीट की ऊंचाई पे भी हमें यही चीज़ फेस करने को मिल रही है बार बार। चलो अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो भाई ये सब कुछ चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखो जो जो ये बोल रहे हैं। नेचर में आए हैं तो हम यार क्यों गंदा करें, हम अपने घर को क्या गंदा करते हैं, नहीं करते ना। बस गंदा मत करो, चढ़ना तो मुश्किल है बट उतरना भी इतना आसान नहीं है देखा जाए तो। अभी लगेंगे शायद 45 मिनट्स और नीचे पहुंचने में। हाँ वो पूछ लेने, तो भाई ये करने लगे अब शॉपिंग दोनों, देखते हैं भाई हमें भी कुछ अच्छा लगे तो हम भी ले लेंगे।